पलवल के राजपूत समाज, बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने महारानी पद्मावती की भूमिका पर निर्मित की जा रही फिल्म पद्मावती में गलत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए जाने को लेकर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक संजय लीला भंसाली के विरोध में कमेटी चौक से प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। जुलूस में सदस्यों को संजय लीला भंसाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनको फिल्म न बनाने की चेतावनी भी दी। आज जो हमने पुतला फूंका है वो संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका है, जिसने रानी पद्मावती जो मेवाड़ की महारानी थी और महाराज रतन सिंह की पत्नी थी, उनके एक ऐसी महान वीरांगना के चरित्र को लेकर के संजय लीला भंसाली एक मूवी का निर्माण कर रहा है पद्मावती के नाम से, जिसमें वो पद्मावती के चरित्र के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि पद्मावती जो रानी थी वो 16,000 रानियों के साथ जिस महान वीरांगना ने जौहर किया, उस 16,000 रानियों में तमाम हिंदुओं की बहन बेटियां थी और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक मुसलमान शासक था जो बाहर से आया हुआ आताताई था, जिसने इस देश में सिवाय इस देश को बर्बाद करने के और हमारी हिंदू बहन बेटियों को तकने के, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कोई कार्य नहीं किया था। और आज भी अगर हिंदुओं के इतिहास को छेड़ा गया तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर वो मूवी थिएटर में कहीं भी चली हमारे इलाके के NCR क्षेत्र में, तो तमाम थिएटरों के जो पर्दे हैं उनको धू धू करके जला दिया जाएगा। ऐसा करनी सेना प्रयत्न करती है। भारत माता की जय। मुंबई में वहाँ पर हमारा जो समर्थन किया है, शिवसेना ने हमारा पूरा समर्थन कर दिया है। मुंबई की तो बात छोड़िए, संजय लीला भंसाली को हिंदुस्तान के किसी कोने में हिंदुओं के चरित्र को नीचा दिखा करके शूटिंग पूरे देश में कहीं नहीं करने दी जाएगी। ऐसा हम आपको